सो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर लेते वक्त हमारे दिमाग में हमेशा से बहुत सारे सवाल होते हैं कि कौन से ब्रांड का रेफ्रिजरेटर सही होता है, कितनी साइज़ हमारे लिए सही होगी, कौन सी कैटेगरी का सही होता है, क्या हमारे लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर सही है या हमको डबल डोर लेना चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिक कंजप्शन एक रेफ्रिजरेटर के लिए सही होती है, क्या 3-स्टार वाला रेफ्रिजरेटर बेटर होता है या 5-स्टार वाला रेफ्रिजरेटर बेटर होता है, यहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद मैं अपने कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन भी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कौन सा रेफ्रिजरेटर अभी फ़िलहाल के टाइम पर और कहाँ अच्छे रेट में मिल रहा है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। सो मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर नोन, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर लेते वक्त हमें बहुत सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए एक रेफ्रिजरेटर लेना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कैपेसिटी। आपके घर में कितने लोग हैं और आपके लिए कौन सी कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर बेटर होगा। अगर आपके घर में एक अकेले आप हो तो आपके लिए 50 से 100 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर अच्छा है। अगर आपके घर में 2 से 3 लोग हैं तो 150 से 250 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर सही है। अगर बढ़ते बढ़ते अगर आपकी एक जॉइंट फैमिली है जहाँ से 6 से 8 से 10 लोग रहते हैं घर में, तो 550 से 850 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर अच्छा होता है। यहाँ पर होता यह है कि बड़ी फैमिली वाले छोटा रेफ्रिजरेटर ले आते हैं और छोटी फैमिली वाले बड़े रेफ्रिजरेटर आते हैं, और फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे हिसाब से। आपको देखना है कि आपके घर में कितने लोग हैं और उस हिसाब से आपको कैपेसिटी डिसाइड करनी है। सेकेंड जो चीज़ है, जो सेकेंड पैरामीटर है जो हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा, और ये फर्स्ट पैरामीटर के पहले हमको सोचना है, क्योंकि अगर रेफ्रिजरेटर लेने से पहले हमको पहले अपने घर में देखना है कि हम वो रेफ्रिजरेटर रखने कहाँ वाले हैं, क्या वहाँ पर उतनी स्पेस है, क्या वहाँ पर सॉकेट सही से अवेलेबल है, वहाँ पर आगे दरवाज़ा खुलने के लिए जगह है क्या नहीं। क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, यहाँ घर बहुत छोटे होते हैं, गांव में बड़े होते हैं घर, पर अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपकी जगह छोटी हो सकती है। अगर रेफ्रिजरेटर लेने से पहले आपने ये जगह डिसाइड नहीं करी और आपने रेफ्रिजरेटर लेके आ गए तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप स्पेस भी देखिए, उसको चाहिए तो टेप से माप के लो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो तीसरा पैरामीटर है वो है डीफ्रॉस्टिंग टेक्नोलॉजी एक रेफ्रिजरेटर की कैसी होती है। अगर आप लोगों को डीफ्रॉस्टिंग क्या होता है ये नहीं पता है तो आसान भाषा में बोलूँ तो फ्रीज़र के अंदर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जब पकने लगती है दीवारों पर उसकी, तो उसको बोलते हैं डीफ्रॉस्टिंग। इसके अंदर 2 तरीके के फ्रिज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कूल और एक होता है फ्रॉस्ट फ्री। जो डायरेक्ट कूल वाला रेफ्रिजरेटर होता है वो थोड़ा सस्ता होता है और उसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी थोड़ी कम होती है, बट वहाँ पर आपको मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग करना पड़ेगा, मतलब खरोच के निकालना पड़ता है वो दीवारों पर से, और अगर जो भी चीज़ अंदर रखोगे उसके ऊपर चिपक जाता है बर्फ। सेकेंड फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज थोड़ा महंगा आता है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्टिंग मिलने वाली है। तो मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाला चॉइस कर सकते हो। जो फोर्थ पैरामीटर है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट के पैरामीटर है कि हमको कितने डोर वाला, कितने दरवाजे वाला फ्रिज लेना है। तो इसमें 4 तरीके के फ्रिज आते हैं, एक तो सिंगल डोर जिसके अंदर भी 2 तरीके के फ्रिज होते हैं, जिसके अंदर फ्रीज़र ऊपर होता है और फ्रिज नीचे होता है, और कोई कोई सिंगल डोर में फ्रीज़र ही नहीं होता है। सेकेंड है डबल डोर वाला जिसके अंदर फ्रीज़र ऊपर होता है, फ्रिज नीचे होता है, और अभी आजकल तो ऐसे भी आने लगे जिसके अंदर फ्रीज़र नीचे होता है, नीचे वाले दरवाजे में, और फ्रिज ऊपर होता है। तीसरा जो है वो है ट्रिपल डोर, जिसके अंदर आपको 3 दरवाजे मिल जाएंगे, एक स्पेसिफिकली वेजिटेबल रखने के लिए मिल जाएगा, और एक फ्रीज़र वाला मिल जाएगा, एक फ्रिज मिल जाएगा। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा थ्री डोर वाला रेफ्रिजरेटर, क्योंकि फालतू का जगह खाता है और इतना डोर किसको चाहिए, जब जगह ही उतनी मिलने वाली है जितना डबल डोर के अंदर मिलने वाली है। फोर्थ है अपना साइड बाय साइड वाला, जो बड़े कैपेसिटी वाले लोगों के लिए सही है, क्योंकि साइड बाय साइड डोर वाला हमेशा कैपेसिटी भी ज़्यादा ही होती है उसकी, 550 से 850 लीटर वाला, बट मेन बात है कि ये जगह भी ज़्यादा खाता है, तो ये सोच के हमको डिसाइड करना है। तो बात कर ली जाए कितने स्टार वाला रेफ्रिजरेटर हमको लेना चाहिए। ऑब्वियसली ज़्यादा स्टार मतलब ज़्यादा ही अच्छा होगा कोई ना कोई कैटेगरी के अंदर, बट ये स्टार दिया किस बेसिस पे होता है तो मैं आपको बता दूं कि मोर स्टार मोर इलेक्ट्रिक सेविंग, मतलब जितना ज़्यादा स्टार आपका रेफ्रिजरेटर आप लेने वाले हो उतनी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पे सेविंग मिलने वाली है। अगर आपने 1 स्टार का रेफ्रिजरेटर लिया है तो आपको कम सेविंग मिलेगी, आपने 5 स्टार का लिया तो मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रिक सेविंग मिलने वाली है। अब जो छठी चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ वो है रेफ्रिजरेटर की, आप हार्ट बोल सकते हो, जान बोल सकते हो, वो है कंप्रेसर। 2 तरीके के कंप्रेसर होते हैं, एक होता है जनरल कंप्रेसर, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर। अब जनरल कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि कंटिन्यूसली कूलिंग देगा और एक कूलिंग पॉइंट आने के बाद ये रुक जाएगा और एक टिक सी आवाज़ आती है रेफ्रिजरेटर के अंदर और ये कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद जब ये वापस कूलिंग डाउन होगी तब ये वापस चालू होएगा। और अपना जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो कंटिन्यूसली चलेगा, ये नॉन स्टॉप चलेगा। जब ज़्यादा होने लगा तो टेम्परेचर रेटिंग कम कर लेगा पर बंद नहीं होएगा। तो ये रेफ्रिजरेटर का ये फ़ायदा है कि इसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थोड़ी कम होती है और अपनी सेविंग ज़्यादा होती है। तो ये थे कुछ छेद पैरामीटर जिस बेसिस पे हमको रेफ्रिजरेटर कंसीडर करना चाहिए। तो बात करते हैं हमें कौन से ब्रांड के रेफ्रिजरेटर लेना है। मार्केट में 250 प्लस ब्रांड के रेफ्रिजरेटर मिलते हैं, बट जो टॉप 5 ब्रांड है वो है सैमसंग, एलजी और वर्लपूल, और इंडियन कंपनीज़ में ओनिडा और गोदरेज ब्रांड के। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोस्तों, और मैंने अपनी रिकमेंडेड रेफ्रिजरेटर की सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करी है विद स्पेसिफिक कैपेसिटी, कितने लीटर्स में मिलने वाला है और कितनी प्राइस है उसकी, जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल है विद लिंक कि आप उसको कहां से बाय कर सकते हो। तो प्लीज़ ज़रूर जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइडेड है स्पेसिफिकली सिंगल डोर, डबल डोर, थ्री डोर और साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर्स के लिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।